लोगों ने चैलेंज किया, बेटा हाथ कट गया क्या करोगे। जब जब लोगों ने चैलेंज किया जितेंद्र, तब तब अपने आप को चेंज किया। लोग कहते हैं कि बंदूक बंदूक क्या है, जितेंद्र कभी पिटपिटवा से नहीं डरता है। हंसते हंसते हम लोग फांसी पे चढ़ने वालों में से हैं। जितेंद्र कल भी दहाड़ता था, आज भी दहाड़ता है, और जहाँ रहता है वहाँ दहाड़ता है और दहाड़ता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, लाइव बिहार 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हमारे सामने जो शख्स हैं उनका नाम जितेंद्र जी है, ये जोश एक्सप्रेस के ये पत्रकार हैं। चलिए इनसे हम कुछ बात करते हैं। सर, हमारे लाइव बिहार 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जो आपने मुझे अपने चैनल पे लाया, और आपके दर्शकों को भी जितेंद्र नमस्कार प्रणाम करता है, और इस बिहार के धरती को भी सलाम करता है। बताइए क्या कहना चाहते हैं सर। आप आज इस बिहार की पावन धरती पर आप आज क्यों आए हैं? बिहार की पावन धरती तो है ही, लेकिन आज मैं आया था ऐसे ही घूमने का। आप भी जानते हैं, आपकी तरह मैं भी घूम घूम के करता हूँ, बस फर्क यह है कि थोड़ा सा लग जाता है। और बिहार ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए बिहार को छोड़ने का भी जी नहीं करता है। सर, आप जैसा कि हम आपको देख रहे हैं, आपका आप पत्रकार क्यों बने सर? आप आपके जैसा पत्रकार शायद भारत में आप पहले हैं। देखिए, क्वेश्चन किसी ने नहीं किया था अब तक कि पत्रकार क्यों बने। जाहिर सी होना भी चाहिए कि पत्रकार क्यों बने। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे होता है कि हम कुछ आवाज़, जैसे आप मेरा बाइट कर रहे हैं, कुछ दिन पहले भी जब एक ज़माना हुआ था कि यूट्यूब नहीं चलता था, उस टाइम भी मैं टीवी पे आता था, इंटरनेशनल टीवी पे, DD1 पे मैं आता था, News24 पे आता था, ABP न्यूज़ पे आता था, उस टाइम भी मैं आता था। आज नया नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा हर्ट होता था कि आखिर लोग मेरा बाइट क्यों करते हैं। बाद में पता चला, धीरे धीरे जब यूट्यूब का ज़माना आया तो पता चला, तो मैं भी किसी से पता किया कि इसका मतलब क्या है, तो किसी ने बताया सही से यूट्यूब का मतलब, तो अच्छा भी लगा कि यार अगर लेके जाता होगा एक बार देश देख के, मतलब सो जाता है ऐसे ही, देश सो जाता है, अब क्यों ना मैं खुद अपने आप को दिखाता हूँ। तो मन में ख्याल आया, कुछ ऐसी भी बातें थी जिसको मैं सरकार तक नहीं पहुँचा पाता था, जैसे आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाता था तो हो सकता था कि आपके दर्शक तक पहुँच जाता था और कहीं पहुँच पाता था, लेकिन मेरा श्रेय था कि मैं उस सरकार की आंखें खोलना चाहता हूँ, आखिर हकीकत क्यों नहीं है जानता है, पढ़े लिखे सभी लोग हैं। दूसरी चीज़, ये देश हमारे संविधान से चलता है, ना कि किसी पार्टी से चलता है, और संविधान में जब जब उल्लंघन हुआ है तो कोई ना कोई इस धरती पे आया है और आवाज़ उठाया है। जितेंद्र नहीं चाहता है कि क्या होता है कि आने वाले समय में, सभी लोग तो चाहते हैं, सरकार चाहती है, पूरा देश चाहता है कि आने वाली पीढ़ी गूंगी हो जाए। जितेंद्र नहीं चाहता है कि आने वाली पीढ़ी गूंगी हो, क्यों हो? मैं इसलिए पत्रकार बना। पत्रकार बनने में आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे सामना, यहाँ तक कि यहाँ गोली तक लग जाता है कि बंदूक से मार दिए जाएंगे, लेकिन उसका भी सामना करना, उसका भी ज़िंदगी का अलग एहसास है। मार के देखिए, एक मैं ये लगता है कि जितेंद्र अकेले खड़ा है, तो ये भी है कि जितेंद्र के पास लाखों लोग खड़े हैं, अकेले थोड़ी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लाखों लोग हैं, आप टच करके देख लीजिए। सर, आप YouTube पे आप सबसे पहले कब आए थे? YouTube पे अभी तो 7-8 महीने पहले हुआ, YouTube पे आने का शौक भी नहीं था, लेकिन ऐसे ही कुछ लगा कि नहीं देखना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो वो एक 0 सब्सक्राइबर से आज 1,00,000 तक का सफर कैसा रहा? जीरो, देखिए सच्चाई है, कल भी 0 था जितेंद्र, आज भी 0 है। लोग समझते हैं कि मैं हीरो हूँ, लेकिन हीरो मैं नहीं हूँ, हीरो तो एक पब्लिक है जो मुझे देखती है। कोई ये कह दे, अभी आप देखे होंगे इसी बिहार के खेसारी जी ने कहा, उनसे भी हमारा पंगा हो गया जब मैंने कह दिया कि आपकी औकात है कि 20-25 लाख, वो भी 20-25 लाख पब्लिक का है, और पब्लिक का आप कह रहे हैं कि 20-25 लाख रुपए लगा को आपका औकात में लगा दूंगा, ये क्या मतलब है? तो थोड़ा सा हॉट होता है, हम पब्लिक है, 12 बजे रात को भी फोन आता है तो मैं बात करता हूँ, क्यों करता हूँ? ये पब्लिक जिसको चाहती है उसको बढ़ा देती है, जिसको चाहती है उसको घटा देती है। तो पब्लिक भगवान है, और भगवान को कभी हम रुसवा नहीं कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं है। सर, आपका घर कहाँ है? घर मेरा पंजाब हुआ, शहीद भगत सिंह जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, और जीवन यापन बहुत अच्छा से होता है, और उस जिले से बिलोंग करता हूँ जहाँ से लोग हंसते हंसते फांसी पे झूल जाते हैं। अरे मैं पिटपिटवा से डरूंगा? कभी नहीं डरूंगा। लोग कहते हैं कि बंदूक बंदूक क्या है, जितेंद्र कभी पिटपिटवा से नहीं डरता है। हंसते हंसते हम लोग फांसी पे चढ़ने वालों में से हैं, डर नहीं है कभी किसी से। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं हूँ, हमारे बीवी है, हमारे 2 बच्चे हैं, और मम्मी पापा हैं।
और क्या, फैमिली बैकग्राउंड और पूरा परिवार मेरा फैमिली है। अगर देखा जाए तो जितने मुझे चाहने वाले हैं, जितने लोग देखते हैं, मेरा फैमिली है। मैं उसको अपने फैमिली से भी ज़्यादा दर्जा देता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ हूँ उनके बदौलत हूँ। नहीं तो हमारे जैसे लोगों का क्या मतलब है, आप बताइए क्या मतलब है? सरकारी नौकरी करना, नौकरी करके मैं छोड़ दिया, नौकरी भी हटा दिया। किस लिए हटा? कि मैं पब्लिक को जानना चाहता था, परिवार को जानना चाहता, कि परिवार चाहता क्या है। जब तक हम आएंगे नहीं पब्लिक के बीच में, कैसे जानेगा? आज मैं यहाँ पे हूँ तो सारे लोग आए हुए हैं, मुझे कोई जानता था नहीं जानता था, लेकिन इस आपके चैनल के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आज लाखों लोग, करोड़ों लोग मुझे देखते हैं। अब मुझे पता ही नहीं है, वो भी तो मेरा परिवार है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा परिवार नहीं? परिवार है मेरा। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन, मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है मेरा, बैचलर हूँ मैं, और बहुत अच्छा बनारस जैसे हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर टॉप किया था। एक टॉपर रहा मैं अपने ज़माने का, शौक भी नहीं था, बहुत अच्छा था। लोगों ने चैलेंज किया, बेटा हाथ कट गया क्या करोगे? जब जब लोगों ने चैलेंज किया जितेंद्र, तब तब अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कहा तुम लिख नहीं पाओगे, मैंने लिख के ग्रेजुएशन टॉप किया। लोगों ने कहा तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, मैंने साइकिल रेसिंग टॉप किया। लोगों ने कहा तुम बाइक नहीं चला पाओगे, मैंने बाइक टॉप किया। लोगों ने कहा कि तुम फोर व्हीलर नहीं चला पाओगे, मैं फोर व्हीलर टॉप किया। नॉर्मल चीज़ नहीं है सर। आपका ये जो मतलब आप हाथ जो आपका कटा हुआ है, वो बचपन से ही कटा था या मतलब? 11-12 वर्ष का था तभी हाथ का दुर्घटना हुआ था, बिजली मार दिया था। 11,000 वोल्टेज के बिजली के चपेट में आने से दोनों हाथ कट गए, लेकिन इसका भी आनंद है, कोई ऐसा नहीं है, इसका भी आनंद है। तो आपको ऐसे मतलब जिंदगी जीने में आपको कितना कष्ट का सामना करना? कभी देखिए कष्ट तो अगर देखा जाए तो पूरे लाइफ कष्ट है। कोई कह दे कि परिपूर्ण है, ये धरती पे कौन परिपूर्ण है बताइए ना? कोई परिपूर्ण है? कोई परिपूर्ण नहीं है अगर देखा जाए तो। नहीं तो अपने आप में तो सभी राजा हैं, लेकिन राजा अपने खुद में राजा राजा नहीं कहलाता है। मजा तो तब आता है कि जब पब्लिक के नज़रों में वो राजा हो। हम अकेले राजा हो तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं सर? तो यही चीज़ें हैं जो कहते हैं, जैसे मेरा हाथ नहीं है तो अब हम कैसे जिए? अब हम बुद्धिली है, जितेंद्र कहता है बुद्धिली। नहीं नहीं बुद्धिली है जो कहता है कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये बुद्धिली है। जितेंद्र बुद्धिल बनकर नहीं जीना चाहता है, क्या समझ रहे हैं? ये बुद्धिल ही है। बुद्धिल लोग कहते हैं कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, मेरा है, तो जितेंद्र बुद्धिल नहीं है। जितेंद्र शेर था, शेर है और शेर रहेगा। जितेंद्र कल भी दहाड़ता था, आज भी दहाड़ता है, और जहाँ रहता है वहाँ दहाड़ता है और दहाड़ता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है सर, हमारे चैनल में अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत थैंक यू।